अल्मोड़ा तो हमारा नगर परिषद है ना, नगर परिषद ये नगर निगम है, बहुत काफ़ी बड़ा है, अच्छा खासा बड़ा है। अभी तो पहले दिन तो बड़ा ही लग रहा है पुरानी है वैसे, लेकिन उससे तो बड़ा ही लग रहा है फिर भी। और देखो चारों तरफ होटल होटल दिख रहे हैं यहाँ, क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है ना। तो जैसे शिमला है, अब शिमला में ऐसा है कि वहाँ तो अभी ओवर बहुत ज़्यादा लोग वहाँ आए होंगे, तो वहाँ रहना बहुत वो है, बेकार है। तो घूमने वहाँ चले गए, उसके बाद रहने के लिए यहाँ आ गए, इस टाइप की व्यवस्था, क्योंकि यहाँ पर उतना क्राउड नहीं आता होगा, उतनी टूरिस्ट प्लेस ही टूरिस्ट प्लेस है, लेकिन फिर भी उतने लोग यहाँ नहीं आते होंगे। शिमला हमने घूमा फिरा, फिर आखिर यहाँ आ गए, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा वहाँ तो बहुत वहाँ तो होटल मिलना मुश्किल हो जाएगी, इतनी क्राउड बहुत ज़्यादा लोग वहाँ आ जाते हैं, खासकर इस सीज़न में, गर्मियों का भी सीज़न में। अब जो हिमाचल में जाते हैं तो पर्यटन के लिए फेमस है, पर्यटन के लिए सही यहाँ पर ही टिका है, क्योंकि और तो यहाँ पर ऐसे कुछ होगा नहीं, खेती बाड़ी या ऐसी, खेती तो खैर सेब वेब होता है यहाँ पर, सेब वेब के लिए तो फेमस ही है, मतलब वैसी कोई इंडस्ट्री या वैसे वैसा कोई साधन नहीं है, मतलब है कि ये अपने पर्यटन के लिए फेमस है, पर्यटन से अपना आमदनी करते हैं लोग यहाँ। ये देखे रात का नज़ारा, यह है पूरा यहाँ से सोलन दिख रहा है, ये है तो छोटा सा पार्ट है इसका, ये छोटा सा शहर पार्ट है, और उसके बाद लगभग 2 किलोमीटर से मैं उधर जा गया हूँ मार्केट से, उधर उधर इधर को भी है कि थोड़ा, और ये कि हाथ पर पूरा एक पहाड़ जैसा है, ये पहाड़ जैसे का पहाड़ी ऊपर एक मकान है, इसमें दिख नहीं रहा भी है, और आगे फिर जाके हमारा जो होटल है होटल में रहेंगे, इसके आगे को भी होगा ये, अभी अच्छी तरह होटल में जाते हैं आराम से, यहाँ खाते पीते हैं और रेस्ट करते हैं, और कल फिर मैं दिखाऊंगा, कल हमें कुफरी और शिमला की तरफ जाना है, तो वहाँ का दिखाऊंगा मैं आपको। खाना पीना तो हमारा बन ही रहा है, इधर कॉलेज आए आर्य समाज मंदिर है यार, मंदिर है आदर्श विद्यालय, जयमंद आदर्श विद्यालय हो गया यार, कॉलेज जैसे लग रहा है, विद्यालय है।